मोहन कर आवो, जपो मोहन कर आवो, जपो मोहन कर आवो, मोहन कर आवो। करो जदरिया, 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 मोहन कर आवो, करो जदरिया, मोहन कर आवो, मोहन कर आवो। करो जदरिया, करो जदरिया, करो जदरिया, करो जदरिया। मान करो अब मान ने बोलो उगते किया दरिया, मान करो अब मान ने बोलो फूल चौक तेरी चिड़िया। मोहन कर आवो, मोहन कर आवो, जपो मोहन कर आवो, मोहन कर आवो। किधू आएगा मेरी बेनती हे कालपुरख, मैं तो जोदड़ी कर सकता, मैं तो बेनती कर सकता, पता नहीं मेरी बेनती कदों सुनेगा, पर जे तू सुन ली फिर मेरिया जिन्निया भुला ने। कहते ने मान करो अपमान ने, जे मैं मान भी करता तेरे ते मैनू अपमान ना आ गया। ते बोलो भूल चौक तेरी प्रिय चिड़िया, मेरिया भुला नू ना वेखते हुए ए सच्चे पातशाह जपो मोहन कर आवो, निकट सुनो अर देखो परम परम दुख भरिया। है तो तू नेड़े है पर मेरे मन च भरोसा ही नहीं बजता। गुरु साहब कहते ने निकट सुनो अर देखो नहीं परम परम दुख भरिया। मैं परमा च पै के दुख भरती रही, मैं बिल भरोसे तो अपने गुरु तो जपती होगी दूर। पर वो एक माल गुरु लाए पार दो, मोहन कर आवो।
कर आवो, मौन कर आवो। लिया तू शरीर रूप च आया, तू मेरे घर किवें आवेगा, मैं तेनू पहचान सकांगी, तेनू देख सकांगी। एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन से लख भरिया। एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिन से लख भरिया। साध संगत की तीर जो पाई तो नानक हर संग मरिया। संगत की पीर जो भाई नानक हर संग मिलिया। मोन कर आवो, मोन कर आवो, मोन कर आवो, जपो मोन कर आवो, मोन कर आवो, मोन कर आवो, मोन कर आवो, करूं अब माने बोलो। मौन चूक तेरी प्रचरिया, फूल चूक तेरी प्रचरिया। माई ने जब गुरु साहब आए उत्ते पलंग डाया चुवारे ते, ते धन गुरु गोविंद सिंह महाराज बैठे थले डरदिया ने किते सानू औरंगजेब पता लग गया कि गुरु इन्होंने घर बिठाया जिन्होंने भरोसा नहीं गुरु से। कहते ने ताले मार के बाहर चले गए कि गुरु ने आख्या थले ताले सदा ही बंद रहेंगे, उत्ते सदा प्रकाश होए रहेंगे। जपो मोहन मोहन कर आवो, कर आवो। मैं ते दरवाजे ते तेरी ओड़ी किच्छा। कहंदे ने फिर दर्शन मिले धर्मां दे ठाते तुत बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल कबा। तुम तन तनी उदार त्यागी स्वर्ण सुनिया जस कुमार। मांगो काहे रंग सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा देव सुदामा दिन को कृपा पार, दिन को कृपा भैया पार। कहे कबीर तुम समरत दाते चार पदार्थ देर नवार। जप
घर आओ। इस प्रथाए केंद्र ने बाबा फरीद ने बड़ी एक सोहनी पंक्ति एक विचार लिखे ने जेड़े बड़े मन नु टूंदे ने। फरीदा बाबा फरीद जी महान सूफी संत जिन्होंने बड़ी वड्डी एक विचार सानू संसार दे अगे रखी है। फरीदा जिन्नी ना जिन्नी कमी ना है गुण कमले मत चल मिलता थी वही साईं दे दरबार ताले लागे। गुरु साहब माछी वाले के जंगला तो मठ साहब ते जदों उथे एक जंड दे दरख्त ते बैठ के मेरे पातशाह उथे एक बाज ने एक पटेरा जानवर हुंदा है उन्हों फड़ के जदों सुटिया थले कहंदे महाराज इन्हें की गुनाह किया जिन्हों तुहाडा बाज मार के थले सुट लिया। कहंदे भाई ये बनिया सी बड़ा ब्याज लैंदा सी ये बटेरे की जोन पिया होया पर इन्हें नौवें पातशाह दे वेले कोई सेवा की है उदों गुरु ने वचन किए सन कि तू जानवरों की जन्म च पहेंगा 84 च पर दसवें पातशाह तेरा उद्धार करना। फरीदा साहब कर चपरे दिल दी लाए बरार दरवे सानो नोड़िए रुखा दी इराद हर जस सुना ना हर जस गावे कई लोग संदेश गुरु का रूप जी ने पर अपनी सिखी नू ना वेखता होया गुरु घर विच सेवादार बनता होया बहुत वड्डियां गल्लां कर जांदे। हर जस सुने ना हर जस गावे बाता नहीं आसमान गरावे बहुत लोग ऐसे ने गल्लां विच तुहानू परवा लैणगे पर जो किसी वेले लोड़ पै जाए उस वेले नजर नहीं आएंगे। ऐसे लोग सो क्या कहिए जो प्रभु किए भगत ते बाहर तिन ते सदा डराने रहिए। ऐसे लोगों को डरते रहो जेड़े तुहानू कीर्तन की हाजरी तो रोकन बंदगी तो रोकन गुरु घर जान तो रोकन गुरु घर सेवा करन तो रोकन ऐसे लोगों तो दूर ही रहना चाहिए। आप न दे चुरू बरवानी ते जय गंगा रानी बैठ तो उठत कुटलता चाले आ
चगे आरनो काले छाड़ को चर्चा आन न जाने ब्रह्मा हो को कयो न माने आप गए और न खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे अवर न हस्त आप है ताने जिनको देख कबीर लजाने मौन कर आवो मौन कर आवो मौन कर आवो मौन कर आवो 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 जपो आवो 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 मौन कर आवो मन कर आओ करो जदरिया करो जदरिया करो जदरिया करो जदरिया मन कर आओ मन कर आओ मन कर आओ इस मंजिल नू जानते ने इस रस्ते नू जानते ने साध संगत कहंदे ने जागीर एक चंदू दे कहन ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सेंसर करवा दिते सन के मुसलमाना दी बड़ी निखेधी की इस बाणी के अंदर कहंदे ने बाबा बुढ़ा साहब जी धन गुरु अर्जन देव महाराज नंगे पैरी बटाला गए जो बाणी का प्रकाश होया गुरु घर आए मोहन कर आवो करो जो दरिया संगत व्याकल सन राजे नु अजे शरीर से राजा गुरु नजर आंदा पर उन्हों बाणी गुरु नजर नहीं आंदी पई जो प्रकाश होया तो आख लगे इतों बाणी पढ़ो सब कोई चलत कहते ना जानियो बेकुंठ है कहां अपने आप का मर्म न जाना बाता नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग नाई चरण निवास जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग नाई चरण निवास खाई कोट अर पल पगारा ना जानियो बैकुंठ द्वारा कहे कबीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे जदों अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे दी वार्ता सुनाई
बाबा बुड्ढा साहब जी ने राजे जहांगीर दे होश उठ गए। ए मैं की कर बैठा, 500 मोहरां रखियां, मथा टेकिया, भुल बख्शाई, फिर भी अगे हो के कन विच कहिंदा एक जगह होर खोल के वेख लो। अगे फिर आ गया, कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवक सैया, कोई अलाय, परवन जड़ा सी वो बिल्कुल खत्म हो गया। गुरु साहब आखते ने राख लियो हम ते बिगड़ी, जपो राख लियो हम ते बिगड़ी। हुण मैनू रख लो, मेरे को भुल हो गई, मैं चंदू दे कहन ते एडी दूर प्रकाश तुरकी पानी दा मंगवाया, ये मेरे वड्डे भाग ने उल्ट हो गया कि मैं दर्शन कीते ने मैं निहाल हो गया। राख लियो हम ते बिगड़ी, राख लियो हम ते बिगड़ी। शील धर्म जप भगत न कीनी, अपमान ते भगती, अहंकार के अंदर मेरी मत टेढ़ी हो गई, मेरे को बहुत वड्डा भुल हो गई है। मैनू गुरु दे आए हो सिख धन गुरु अर्जन देव महाराज, मैनू बख्श के जाओ। और जिहड़ा मनमुख हुंदा ना, वह वार वार माफियां मंगदा, पैरां दे हाथ लांदा, पर अंदरों नहीं झुकिया। अमर जान संचिए काया, ए मिथ्या काची गगरी, ए मिथ्या काची गगरी। जिने नवास साज हम की है, तिन मिसरा अवर लगरी। संध्या तोर साध कहियो, शरण परे तुम्हारी पगरी। कहे कबीर बिनती सुनियो, मत कालो जम की खबरी। बारू फुल बख्शा के पीछा छुड़ाया, ते किसे तरीके नाल साढ़े को गलती हुई है, इनू माफ की जाए। साध संगत सिख के गुरु का वही है, जेड़ा गुरु भुल बख्शा के दोबारा गलती ना करे। हर बंदा तुहानू पता है कि बड़ी वड्डी मसाल है, हर का संत हर की हर मूरत, जपो हर का संत हर की हर मूरत। धन गुरु अर्जन देव महाराज, परमात्मा वाणी ते गुरु अर्जन देव महाराज इको ही ने। जहांगीर दे वेखने जी फर्क सी, जपो हर का संत हर की हर मूरत, जपो हर का संत हर की हर मूरत। जिस
संत तुम्हारे दर्शन पे खतर जन्म दुख परे मेरे पाछ करे ने चल सारे आए हर सोग थे मुकते सदा अर पत्र जो कर जुगते इसे सर में सब ले ब्रह्म का ध्यान करते पार ब्रह्म मोय कृपा की तोर संतन की नानक दी जपो मोन कर आवो महाराज ने अनंतपुर साहब आके बड़ी दूरों दूरों संगत आंदियां ने गुरु के दर्शन कर दिया ने आज सानू एक साडे अगे औकड़ आ रही है उदों दूरों लाहौर पिछौर तो अनंतपुर साहब आंदे सन ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कि मैं आया किधे कोला मैं खड़ोता किधे अगे हाँ ये दशाक्षर की जगदी जोत ये पार ब्रह्म परमेश्वर की तुरकी बाणी है ये तुरों तरी हुई है जो जो सुने तिसकी का तो होवे कथिए कथिए संत संग प्रभु ज्ञान पूर्ण परमा सुधुर परमेश्वर सिमरत पाइए मान गुरु के दर्शन भाई नंदलाल जी ने किते भाई नंदलाल जी बाहर एक छोटी जी पहाड़ी ते अनंतपुर साहब तो दूर बह गए मैं जे गुरु को जान दे काबल नहीं होया अपना एक बच्चा एक औरत नु छड़ के पता लगा कलगिया वाले पातशाह दा क्योंकि जदों उन्होंने कुरान दे अर्थ किते सन ते औरंगजेब ने आख्या कि एडा वड्डा ग्यारह वार बंदे मेरे घर में मुसलमान नहीं एडा वड्डा इनू कहो जहाँ से आपे सुनत करा के मुसलमान हो जाए जा इनू जबरदस्ती बना दो भाई नंद लाल जी ने ज्ञानवाना नू
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਥੀਏ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਐ ਮਾਨ। ਜੋ ਜੋ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਕੀ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨੋ ਆਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾਕੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਨਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਥੀਏ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਮਰਤ ਪਾਈਏ ਮਾਨ। ਜੋ ਜੋ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਰਮਤ ਨਾਸ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ 'ਚ ਇੰਨਿਆਂ ਨਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਪਈ, ਉੱਠਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ ਜਪੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਗੂੰਜਰ ਤਨ ਜੋਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਖੋਤ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ ਸੇਵਕ ਕੱਢੇ ਖੋਤ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸਰਨ ਸਰੋਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਹੋਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁ ਫੜ ਕੇ ਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ,
लंगर पकान दी सेवा। तो जो पता लगा वो साथियों नूं कोई ज्ञानवान बड़ा सी भाई भाई नंद लाल जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल पहुँच गया उन्हें तो बहुत वड्डा रुतबा तो बड़ा ज्ञानवान है। असीं उहदे कोल जा के देखिए सानूं रहण नूं बहण नूं उठण नूं खलोण नूं इशनान करन नूं जगह मिलेगी। तो जो भाई नंद लाल जी कोल आए कहिंदे भाई नंद लाल जी ते असीं रिश्तेदार हाँ असीं उहनां दे दोस्त हाँ मित्र हाँ। तो वेख्या तो भाई नंद लाल के लंगर की कालख के नाल काले कपड़े होए ने। वाह कहंदे ने एडा वड्डा ज्ञानवान होके सेवा कीड़ी मंगी। कहंदे ने एक दिन लंगरां की परख आ गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लंगरां की परख पहला पौंसियां के लंगर च गए कहंदे प्रशादा बन रहा कहंदा तुसी बनाओ असी आए। दूजे लंगर चले गए कहंदे लंगर की अरदास होने वाली कहंदे तुसी अरदास करो असी आए। अगे सारे लंगर च घूम गए कहते कहते तड़का लगना कहते कहते अजे आटा गुनना है कहते कहते ने अजे दाल कच्ची है। जो तो भाई नंद लाल जी के लंगर च गए अजे गुरु साहब ने भेस बदल के गए सन आखन लगे महाराज हुक्म करो। कह लेंगे लंगर कच्चा दाला अद्धा पक्का रात की मिस्सी रोटी पा के बर्तन जगे रख दिती। कहंदे गुरसिखा जो बनिया ये गुरु का बख्शिया छको मैं ताजा बना के होर लैके आऊंगा। मौन कर आवो 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 मौन कर आवो। अकालपुर कहंदे ने सेवक नूं एक अभ्यास करता सी अभ्यास करद्या करद्या सवेरे उठ्या गुरु का लंगर लैके गुरु घर पहुँच गया। कहंदे की लैके आया कहंदे गुरु का लंगर कहंदे रात तेरे घरों भुखा मुड़ गया रात तू मैनू पुछया नहीं अज तू लंगर लैके आ गया। वाह मेरे प्यारिया असीं पछाण दे नहीं किहड़े रूप च गुरु तुहाडी परख लै जांदा आ गया। जो जो तुसी स्टेजां ते पार करोगे उन्नी उन्नी तुहाडी बरीकी च परख होवेगी। जो जो तुसी राष्ट्रपति दे रक्षस बनोगे तुहाडी घर तों लै के मामिया चाचिया तक तुहाडी इनक्वायरी होएगी कि यह किस खानदान का बंदा है जिहड़ा एडे वड्डे प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति की ड्यूटी च लगना है। उन्हें पिछों वेखते हैं सारा कुछ एवें नहीं उन्होंने लेंदे कि दादा चोर होवे ते एडे वड्डे भिखारी होण घर दे ते उस बंदे नूं चंगा वेख के उहदी भावें किन्नी दौड़ होवे किन्ना निशाने बाद होवे ते बरोजा पिछों उहदा चंगा जीवन नहीं ते उन्हूं नहीं लैंदे। मौन कर आवो मौन कर आवो मौन कर आवो मौन कर आवो। दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा मोहब्बत से ही सच्चा जिन मन हो मुख हो काटे कच्चा रत्ते सुसुखदाए रंग दारे विसरिया जिन नाथ होए लिए लड़ लाए दर दर वेदते तन जरने दी माओ आए सफल से
परम जगार परम व्यंत तो जिन्ना पुछाता सच चुम्मा पैरों चुम्मा पैर मो सेवक सेवा प्रभ अपने मन की इस बजाई नानक दास के बलवारे जिन पूरन पैज रखाई मोन कर आवो मोन कर आवो करदास जी भी बड़े सेवक हुए ने भाई भाई नंदलाल जी भी महान ने जिन्हां नूं सिख पंथ दे रतन सितारे कहा गया जिन्हां दी मिसालां साडे अगे कायम ने असीं कदी उन्हां नूं मिसालां नूं पढ़ के सुन के कदी असीं अपना जीवन नहीं बनाया जदों गुरु साहब आवाज दिती किले तो बाहर जाके खलो जांदे मेरा गुरु कदे टहलदा टहलदा किसे भी द्वार वाला आएगा तो मैं उधर दर्शन करांगा। सत्संग सिखां दे अंदर भरम बड़ा है तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल सब एक कमाल मेरे पातशाह कोल नारद नूं पता लगा कि मैं गुरु कलगीधर पातशाह दे दर्शन करने ने उन्हें आख्या उन्हें खाली हथी की जाना है मेरे को एक मोर पंख ने वही लै जाना जो लै गए तो गुरु ने अगे जो भेंट किए कहने नारद जी इन्हों मोर पंखा की लोड़ सी तुसी मन बना के आए हो कहने तेरा इन्ना आना ही बहुत है। सात संगत गुरु हमेशा भगतों की कदर करते आए कदे नरादर भगत का नहीं करते क्योंकि राजा दा जदों हाथी मर गया ना तो कहते ने गुरु साहब न कोल संगत रोन लग गई कह लगे महाराज क्यों रोंद हो कहते महाराज हाथी मर गया कहते फिर हाथी मर गया तो फिर तुम क्यों रोंद हो कहते इसके रोंद हाँ कि असी हाथी को संभालते सारा पिंड सब कुछ खवाते सियादे सहाते स पर जे हुण इह मर गया तो सानू सजा देगा तो गुरु साहब कहना कि जे तुहाडा को हाथी जिंदा कर दे फिर कहिंदे जिंदा मरिया हाथी किवें हो सकदा कह लगा मारन वाला भी उही है तो जवान वाला भी उही है ये नहीं कहा कि मैं अकाल पुरख मैं ही जवा सकदा गुरु अपने तो कदे नहीं लैंदा वो कह लगा तू प्यार दे नाल एक बार वाहेगुरु कह के हाथी नूं प्यार दे दिओ ते हाथी आपे उठ पैगा दिलों जदों वाहेगुरु कहा ते हाथी उठ पिया कहन लगे महाराज ये हाथी जिंदा हो गया कहन लगे साध संगत जी ये अकाल पुरख के हुक्म नाल जन्म लिया सी अकाल पुरख के हुक्म नाल इहदी मौत हो गई है
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ ਬਾਂਧੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਏ ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੋਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਂਧੇ ਮੋਏ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਬੜੇ ਗੁਸੇਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਬਾਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਦਾ ਯਾਦਵਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਟਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਘੱਸ ਘੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਬ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਭੀਲ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਟੁਕੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੀਲ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਲ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧਨ ਤੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਧਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ